तरक्याती मंसूबों को चौथा गियर लग गया। मंसूबों की तकमील के लिए 100% फंड जारी। लाहौर ने सीवरेज निकासी आप की बेहतरी के लिए 20 अरब जारी। गलियों की पुख्तगी समेत दीगर काम मुकम्मल होंगे। नए माली साल के पहले क्वार्टर में 178 अरब रुपए मिल गए। महकमे प्राइमरी हेल्थ के लिए 12 अरब रुपए जारी। लाहौर को सियाहत का हब बनाने की तैयारियां। पीएसए शहर में जदीद फन लैंड्स की तामीर करेगी। ग्रेटर इकबाल पार्क और जलानी बाग में आलमी मायार के झूले नस्ब किए जाएंगे। डीजी ताहिर वटू ने प्लान की मंजूरी दे दी। सरकारी स्कूलों में असातिज़ और वालिदैन के लिए व्हाट्सएप लर्निंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर के 10 स्कूलों का इंतखाब किया जाएगा। हर स्कूल के ग्रुप में 10 वालिदैन और 5 टीचर्स को शामिल किया जाएगा। सीमेंट डीलर्स की विथहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल। लाहौर में 6 दिन से सीमेंट की सप्लाई बंद। तामीराती सनत को धचका। तरक्याती कामों को ब्रेक। डीलर्स के गोदाम तेजी से खाली होने लगे। निजी सोसाइटीज और आबादियों में मकानों की तामीर में मुश्किलात। सप्लाई की बंदिश से सीमेंट के फैक्ट्री मालिकान को भी नुकसान। मुल्क की तारीख में पहली बार सीमेंट की बोरी 1500 रुपये पर चली गई। फ्लोर मिल्स मालिकान और हुकूमत में विथहोल्डिंग टैक्स पर डेडलॉक। आटा मिल्स मालिकान ने 23 जुलाई को दोबारा हड़ताल पर गौर शुरू कर दिया। चेयरमैन आसिम रजा की सरबराही में मेम्बरान की हुकूमती कमेटी से मुलाकात शेड्यूल। कहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स खत्म ना हुआ तो आटे की सप्लाई दोबारा बंद कर देंगे। तदरीसी और तरबियती सहूलियात का फुकदान। पोस्ट ग्रेजुएट्स का तरबियती मायार गिरने लगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर्ड नहीं। रोटेशन के लिए पीजी ट्रेनी दूसरे शहर के टीचिंग अस्पताल में भेजे जाएंगे। अफरादी कुव्वत बेहतर बनाने वाले महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। टेप्टा वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी को जम करने की तजवीज। रेलवे ने ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 1%, माल गाड़ियों के किराए में 2% इजाफा। अंदरूने मुल्क चलने वाली तमाम ट्रेनों पर इतलाक होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में तुलबा के लिए रिहायशी सहूलत का फुकदान। 80% तुलबा रवान साल हॉस्टल की सहूलत से महरूम। रवान साल यूनिवर्सिटी 10,000 तुलबा को दाखिले फ्राहम करेगी। सिर्फ 2,000 तुलबा को हॉस्टल की सहूलत मुयसर होगी। मौसमी गर्मा में गैस बहरान ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। गैस बंदिश के बायस घरेलू मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। फतेहगढ़ वाली पार्क के मकीनों का गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज। अजमेर पार्क UC-101 के मकीन सीवरेज निजाम के खिलाफ सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों की वासा इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। साफ पानी और सीवरेज पाइपलाइनें एक हो गईं। घरेलू नलकों में गंदा पानी आने लगा। उधर ग्लेक्सो टाउन अनम रोड के अतराफ बुनियादी सहूलियात का फुकदान। मकीनों और ताजों का सियासी नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। जल्लो मेन रोड पर भी सीवरेज का नाकिस निज़ाम। इलाका मकीन परेशान। सीवरेज का पानी मच्छरों की अफजाइश की वजह बन गया। दूसरी जानब विफाकी कॉलोनी में सीवरेज के नाकिस इंतजाम पर इलाका मकीन परेशान। गंदा पानी घरों में दाखिल। इलाके में ताफुन फैलने लगा। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी करोड़ों की नादहिंदा निकली। वापडा ने 1 सितंबर तक वापडा हाउस खाली करने की डेडलाइन दे दी। किराया समेत दीगर उमूर की बुनियाद पर 52 करोड़ रुपए का नोटिस भी जारी। NDC के जेर एहतमाम तमाम कमरे 1 सितंबर तक खाली करने की हदायत। सरकारी रिहायश गाहों के सोलर प्रोग्राम में मुबैना करप्शन। PC-1 में 6 mm का तार मंजूर हुआ। सोलर पैनल की फिटिंग में 4 mm के तार लगाए गए। 15 kV सिस्टम की तंसीब का भी कोई प्लान नहीं। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ने जवाब तलब कर लिया। सरकारी घरों में 60 करोड़ के सोलर पैनल लगना है। फूड अथॉरिटी का जालसाजी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। टोलेंटन मार्केट की नाकाबंदी। 23 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 9 को 1,70,000 के जुर्माने आयद। क्रैकडाउन के दौरान 2,480 किलो बीमार मुर्गियां तलब। नाकिस गोश्त पकवान सेंटर्स रेस्टोरेंट्स पर सप्लाई किया जाना था। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी केस में पेशरफ। महकमा सेहत ने चिल्ड्रन अस्पताल के 3 मुलाजमिन को मुअत्तल कर दिया। तीनों मुलाजमिन को पीडा एक्ट के तहत मुअत्तल किया गया। महकमा सेहत रिपोर्ट करने का हुक्म। चिल्ड्रन अस्पताल में दाखिले पर पाबंदी आई।
चीन ट्रेनिंग पर गए पुलिस अफसरान लड़ पड़े। वापसी पर काशगर एयरपोर्ट पर आला अफसरान गुत्थम गुत्था। पुलिस हुकाम के मुताबिक मजाक से शुरू होने वाली लड़ाई हाथापाई तक पहुंच गई। चाइनीज अफसरान ने बीच बचाव कराया। आईजी पंजाब का नोटिस, तमाम अफसरान 19 जुलाई को तलब। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन का डकैत और रॉबर गैंग्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 10 मुल्जिम गिरफ्तार, 7,39,00,000 से ज्यादा बरामद। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की मीडिया से गुफ्तगु। इमरान किश्वर ने कहा मुलजिमान से रकम, तलाई जेवरात, खंजर, गोल्ड मेडल्स और दीगर अशिया बरामद की गई। महबूस की बाजियाबी थानों के रिकॉर्ड से मुतालिक केस, हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीआईटीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कल अदालत पेश करने का हुक्म। अदालत का मुतजाद बयान हल्फी देने जमा कराने पर भी इजहार नाराजगी। एमडी सेफ सिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान। बानी पीटीआई की अबूरी जमानतें मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें, हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। दो रुकनी बेंच ने फ्री कैंट को नोटिस जारी, केस फिक्स करने की हिदायत। इधर बानी पीटीआई ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का एटीसी का फैसला चैलेंज कर दिया। लेस्को शाहपुर ठोकर डिवीजन में 2 अरब की ओवर बिलिंग का मामला। 18 एक्सियन एसटीओ मीटर रीडर्स की अबूरी जमानतों में 27 जुलाई तक तौसी। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर एफआईए तनवीर अहमद शेख की तफ्तीशी ऑफिसर को आखिरी वार्निंग। उधर बिजली चोरी में मुलविस लेस्को के 2 एहलकार नौकरी से बर्खास्त। मीटर सुपरवाइजर मोहम्मद असगर, लाइन सुप्रीडेंट अब्दुल कबीर शामिल। एक्सियन कैंट रेहान फजल ने करप्शन साबित होने पर कार्रवाई की। लाहौर बार के वकला की तादाद 32,000 से तजावज कर गई। मातहत अदालतों में वकला के बैठने के लिए जगह कम पड़ गई। वकला सिविल सेशन कैंट कचहरी में बरामदों में बैठने पर मजबूर। हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी में शामिल 7 सीनियर जजेस की जिम्मेदारियों की तश्कील, 9 तरमीमी एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑर्डर जारी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम को जिली अदालतों के जजेस की ट्रांसफर, तरक्की इंजबाती कार्रवाई का इख्तियार होगा। हाईकोर्ट की जाब्ते फौजदारी की रूल्स कमेटी की भी तश्कील, 9 जस्टिस सदाकत अली की सरबराही में 7 रुकनी रूल्स कमेटी कायम। जस्टिस शहराम सरवर, जस्टिस मोहम्मद सरवाज जबकि जस्टिस अनवारुल हक पन्नू और दीगर शामिल। चीफ जस्टिस से ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर साई बख्श की मुलाकात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स पर चीफ जस्टिस से मुशावरत की हिदायत की थी। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट अभर गिल की भी शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तायुनाती के खिलाफ हाईकोर्ट बार का रद्द अमल। आइन के मुताबिक एडहॉक जजेस की तायुनाती सिर्फ जजेस की कमी की सूरत में हो सकती है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान, लतीफ खोसा, इश्तियाक खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई को अरकान असेंबली की वफादारियां बदलने का डर। तमाम अराकीन कौमी असेंबली को केपी हाउस मुंतकिल करने का फैसला। अहलो आयाल को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने की तजवीज भी जेर गौर। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। इधर अपोजिशन ने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवा दी। अरकान असेंबली का इगवा और अमनो अमान की सूरत हाल एजेंडे में शामिल। पीपल्स पार्टी की पंजाब में तंजीमों की तश्कील का मामला। सदर आसिफ जरदारी ने तमाम ओहदेदारान की फहरिस्त तलब कर ली। वस्ती, सेंट्रल और जनूबी पंजाब के ओहदेदार शॉर्टलिस्ट। सदूर, जनरल सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदूर के लिए अलग अलग फहरिस्त तैयार की गई। सदर लाहौर के लिए अहमद जवाद राना, फैसल मीर, रहमान अजीज चंद, जुल्फकार बदर और बैरिस्टर आमिर हसन उम्मीदवार हैं। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ पीएम ने भी मैदान में आ गई। 24 जुलाई को हेल्थ केयर कमीशन के सामने धरने का ऐलान। हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को तहलील करना गैर कानूनी इकदाम है। सदर पीएमए डॉक्टर अशरफ निजामी, सदर वाईडीए शुएब नियाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर सेहत सलमान रफीक का दोनों अस्पताल, लेडी एचईसन अस्पताल का दौरा, आउटडोर ब्लॉक का मुआयना। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज ने ब्रीफिंग दी। वजीर सेहत ने कहा कि दोनों अस्पतालों के रीवैम्प होने वाले शोबों को जल्द खोल दिया जाएगा।
महकमा सेहत के 500 करप्ट मुलाजिम रेडार पर आ गए, नाम जल्द मंजरे आम पर लाएंगे। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नसीर का इंकशाफ, अगस्त में 93% मेडिकल ऑफिसर्स की तैनाती की खबर भी सुना दी। सूबाई वजीर की जेर सदारत इजलास, हिफाजती टीका जात, हेपाटाइटिस टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का जायजा लिया। महकमे जेल के माजूर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मंजूर, पंजाब रीजन्स फाउंडेशन 72,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप देगी। होम सेक्रेटरी नोडल अमीन मेंगल ने ग्रांट की सिफारिश मंजूर की, 18 साल तक की उम्र के माजूर बच्चे अहल होंगे। डीजी ताहिर फारूक की जेर सदारत इजलास, एलटीए सिटी में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। डीजी की मजीद 3 ब्लॉक्स की जल्द पोजिशन देने की हिदायत, जिन प्लॉटों के कब्जे दिए जा चुके हैं वहां घरों की तामीर के लिए सहूलियात फराहम की जाए। ईवान औकाफ में सैयद शहदा इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने सदारत की, कहा कि इंसानी अकदार के तहफ्फुज़ के लिए इमाम आली मुकाम की सीरत पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस में तमाम मसालिक उलमा, दीनी और रूहानी शख्सियात भी शरीक थी। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना की जेर सदारत इजलास, इन्वेस्टिगेशन विंग में जेर तफ्तीश मुकदमात और पेशरफ पर बात, DSP इन्वेस्टिगेशन डिफेंस और कहना की सरजनश, जवाब तलबी का हुक्म जारी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन की मुलाकात, पी मसूद चिश्ती, आशिक अली राना, जुबैर जुबैरी और दीगर वकला शामिल। वफ्द ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम को बरतानिया में मुनक्दा इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। और पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों के लिए कौमी शूटर्स का कैंप, पाकिस्तानी शूटर्स की पेरिस रवानगी से कबल मशक मुकम्मल, गैर मुल्की कोच की जेरे निगरानी, शूटर्स GM बशीर, गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत ने ट्रेनिंग की।